छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सली गतिविधियां कोई आज कल की नहीं बल्कि लंबे समय से हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में बस्तर संभाग के सभी जिलों में नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। इस ऑपरेशन को नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। बस्तर संभाग की अगर बात करें तो इसके अंदर कुल 7 जिले आते हैं। पहला बस्तर ही है, फिर है दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर और बीजापुर। इसी बीजापुर में सुरक्षा बलों ने आज यानी 4 अप्रैल की सुबह 9 नक्सलियों को ढेर कर दिया, जिसकी पुष्टि बीजापुर के SP जितेंद्र कुमार यादव ने की है। ये कार्रवाई एक ऑपरेशन के तहत हुई है जो DRG बस्तर फाइटर्स कोबरा बटालियन और CRPF की साझेदारी में बीजापुर के गांगालूर इलाके में चलाया गया और इसमें सुरक्षा बलों ने 9 नक्सलियों को मार गिराया है। नक्सलियों के शवों के पास से एक स्वचालित लाइट मशीन गन जिसे LMG कहते हैं, बैरल ग्रेनेड लॉन्चर BGL और भी अन्य बड़े हथियार बरामद किए गए हैं। आइए पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल की रात करीब 1 बजे तक बीजापुर के थाना गांगालूर क्षेत्र में STF, DRG, कोबरा और CRPF की टीम सर्च ऑपरेशन के लिए निकली। सुबह करीब 6 बजे क्षेत्र के लेंड्रा के जंगलों में नक्सलियों से टीम की मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से गोलीबारी हुई लेकिन सुरक्षा बलों में से किसी को नुकसान पहुंचने की कोई खबर नहीं आई है। अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि कई नक्सली बड़ी संख्या में घायल भी हुए हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद से ही बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ कई ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही जिले में सुरक्षा बलों द्वारा 6 नक्सली भी मारे गए थे। इसी तरह के और भी कंटेंट के लिए बने रहिए शब्दसांची के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।